जितने गन पॉइंट पे जाके डकैती की थी। ट्रांजिट वाले आए लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली इनका। काइंडली वो शक्कर हमारे इनका केस अभी तो उसे डिस्कस किए ही नहीं सर। वो केस हो गया वही हम रिक्वेस्ट हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम भी रिक्वेस्ट वो हमारे टीचर थे ना हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट तो उस काम की जाती है जो कि एक्सेप्ट नहीं हो तो हो गई बात उसकी बल्कि सुन के गया है वो वहाँ से उनको बताओ भी कार में जाके क्या बताया आपको सही है ना जनाब। मैं खुदा नहीं हूँ मैं पुलिस हूँ सही है ना मैं खुदा नहीं हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मेरे टीम कोशिश कर रही है इंशाल्लाह जरा ज़रूर हो जाएगा। वो लड़का यहाँ जब आया था यहाँ पे उसके कान में कुछ कह के भेजा था हमने सही है ना। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आप लोग सारे उठ के आए सही है ना। अब हमारा काम मर्जी से होगा भाई जब मिल जाएंगे तुम्हारे मुजरिम हो जाएगा सही है ना। मैंने तो इनको भी कह दिया था सही है ना। आप और मजमा लेके आ जाए मेरे पास सही है ना सर। मजमा नहीं हम रिक्वेस्ट करनी है। मैंने तो उसको आपके आने से आपके आने की जरूरत ही नहीं। मैंने उसको बताया नहीं आपने इनको मैंने क्या कहा था आपको बताओ उनको फिर तो बताओ क्या कहा मैंने उनको ये इस महीने होगा कहा था सही है ना। लेकिन लेकिन ये बात करना कि ढाई महीने होगा तीन महीने होगा हम कोशिश कर रहे हैं हम इंसान हैं और हम पुलिस हैं कोशिश करते हैं और कोशिश करने से नतीज निकलते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला कामयाबी करे हमें और इनकी क्या सबकी वारदात जो है जल्द से ट्रेस हो और हम यहाँ पे लोगों के साथ के अंदर जो है उनको इंसाफ दे सकें। जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे लड़ाई को ख़त्म करा सकें। जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो गई है वहाँ कानूनी कार्रवाई जाबती कानूनी कार्रवाई करें। मैं देखा आपने मैंने शुरू में एक चीज़ को जहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं बनती वहाँ पे हमारा नहीं रोल है हमें ना लेके आए उधर। कानूनी कार्रवाई जहाँ नहीं बनती वहाँ पुलिस को नहीं आना चाहिए। वहाँ पुलिस का आने का मतलब नाइंसाफ़ी है सही है ना। तो जो कानूनी कार्रवाई जहाँ बनती है वहाँ पर हम आते हैं और हमें काम करना होता है। तो इनसे जब आप इससे पहले ही मेरे पास पेश हुए हैं मुझे तो किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनसे बात कर ली थी। जब कोई रेफरेंस से आता तो लगता है कि कहीं हम अब कहीं हम दबाव में तो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि मीडिया को खुश करने के लिए काम कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं किसी वकील को खुश करने के लिए काम कर रहे हो। हमें अल्लाह को खुश करने के लिए काम करना है। जब ये सादे सिर्फ अकेले आके बैठे तो ज़्यादा काम करने को दिल चाहा इनका सही है ना। 10 लोगों ने आके कहा तो मैंने रिस्पॉन्स ठीक नहीं किया। मैंने आपको कहा कि जी फिर ऐसा करें कि 100 लोग और लेके आ जाएँ सही है ना। क्यों? क्योंकि एक इंसान भी मेरे लिए उतना ही काबिल इज़्ज़त है जितना कि पूरा मजमा काबिल हो। और चाहे मीडिया हो चाहिए ना चाहे कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो चाहे कोई प्रोफेसर हो चाहे कोई बहुत ताकतवर आदमी हो चाहे ये आदमी हो जो कि एक सादा आके मेरे पास बैठ के मुझे तकलीफ बताएगी जी मेरी साथ वारदात हुई है मुझे सबके साथ में एक यकसा सलूक करना चाहिए सही ना। अगर ये मैं फ़र्ज़ नहीं अपना अपनाऊँगा और आपको कहूँगा जी बाप मैं इंशाल्लाह आप में कर देता हूँ तो ये बाकी जो है जिनके पास नहीं है ये ताकत ठीक है ना तो वो फिर जो है वो फिर ऐसा महसूस करेंगे जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है या मैं सबको यकसा नहीं देख रहा हूँ। मैं तो चल के आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपकी शिकायत सुन सकूँ आपकी तकलीफ को सुन सकूँ उसमें जो मेरे किरदार बनता है वो मैं कर सकूँ। जिन लोगों के पर्चे नहीं हुए थे उनके पर्चे यहाँ करवा दिए गए हैं। जिनके लिए सबकी किसी ने बताया मेरी अभी रिकवरी नहीं हुई है किसी ने बताया मेरा मुजरिम नहीं पकड़ा गया है किसी ने बताया कि जी मेरे मुजरिम बेल पर चल रहे हैं उन तमाम के लिए हिदायत की है। लेकिन मैंने कहा ना हम कानून के जाब्तों के दरमियान बंदे होते हैं उसी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। मेरी टीम पे भागता वाला टीम पे मुझे बड़ा यकीन है। इतना खुल के तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी भी अफसर को अपनी टीम की लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। SHO ने मेहनत करके आपके मंशियात फरोशों को पकड़ा है वो मंशियात फरोश जो नहीं पकड़े जा रहे थे तो इसने एफर्ट करके जो है वो रिकवरीज करने की कोशिश की है जेन्युइन मुकदमा ट्रेस की है तो इंशाल्लाह ताला ये मुकदमात भी ट्रेस होंगे। हो सकता है महीना देर हो जाए हो सकता है डेढ़ महीना देर हो जाए लेकिन हम असली मुलजमान और असली रिकवरी इंशाल्लाह ताला करके देंगे। 100% रिकवरी का वादा नहीं है मैं कोई झूठ बोलना नहीं चाहता आपके साथ में लेकिन जितनी जायज़ रिकवरी होगी जो उसके पास से होगी वो हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे सही है ना। और आपसे गुजारिश करेंगे कि पुलिस गवर्नमेंट से पैसे लेती है पुलिस आपके टैक्स के पैसों से चलती है हम सारे के सारे आवाम के मुलाजिम हैं ठीक है ना। तो हम आपके लिए जो है वो काम करते रहेंगे। कोई रिश्वत किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई रिश्वत मांगे आप मुझे ऑफिस में बताएं आके SHO को बताएं DSP को बताएं
कोई किसी से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास रिकवरी होगी हम आपके दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी यहाँ पे हमारे लोग, किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। अगर मैं ना उचल के आऊँ आपको, तो फिर जो तो आपको किसी से कहलवाने की, मैं चल के इधर आया हूँ तो फिर किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए हर बंदा मोहतरम है, हर बंदा कीमती है, आप सारे लोग कीमती हैं, सही है ना जी? बिल्कुल। वो भी जो मेरे पास आके बैठ के मुझसे बात कर ली, वो भी जो मुझसे खड़ो के बात कर ली, वो भी जो जिनका मैं केस पढ़ के समझ जाता हूँ कि केस झूठा है, सही बात है, और वो भी इनका केस सच्चा है, ठीक है ना? तो सब क्लियर कर वो तो देखिए सर, आप एक टाइम निकाल के आए हैं, आपके पास एक टाइम बिजी साहब, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहते हैं, आपने एक टाइम निकाला है, लोगों की मुश्किल सुनी है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ पर। इससे पहले माशाल्लाह ऐसा चोर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम वेलकम भी आप करते हैं। आप तमाम लोग मेरे लिए बड़े कीमती हैं, आप तमाम लोग वो लोग हैं जो हमारे साथ अगर हेल्प करेंगे जी जी, क्योंकि पुलिस सर्विस भी तो है ना यार। ये तो सर इनसे पूछेगा, प्रेस क्लब वाले इनसे कितना पुलिस सर्विस है जी, और पुलिस जो है वो माशरे के साथ चलती है। हमारे में और फौज में ये डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही, हमने अवाम में रह कर खिदमत करनी होती है, हम सिर्फ जो है वो बंदूक की ताकत के ऊपर जो है वो नहीं करते, हमारे पास तो सर्विस डिलीवरी है ना, हमने किसी की वो बातें भी सुननी है बिल्कुल जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, सही है ना? लेकिन मैं कब्जे के इश्यूज से पुलिस को दूर रखना चाहता हूँ, सही बात है, सही है ना? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जी अगर आपके कब्जे के मामलात हैं तो दो जगह हैं, ये बहुत मेरा पैगाम अगर कन्वे कर सकते हैं तो करिए आप, ये बिल्कुल अपने जो आपके ज़मीन के लेन देन के मामलात हैं, कब्जे के मामलात हैं, वो रेवेन्यू ऑफिस ज़रूर जाएं, वहाँ से अपना फैसले करवाएं, उस फैसला करवा के तहसीलदार पटवारी के थ्रू थाने पहुँचें और अपना कब्ज़ा लें, डायरेक्ट पुलिस से ना कब्ज़ा करवाने को करें कहें, ना कब्ज़ा छुड़वाने को कहें, ठीक है ना? पुलिस को मना है कब्ज़ा करवाना, कब्ज़ा छुड़वाना, कब्ज़ा तब लुवा सकती है जब किसी कोर्ट का ऑर्डर आएगा या डीसी का ऑर्डर आएगा, सही है ना? इंशाल्लाह हम करेंगे, खिदमत लें अपने ये खिदमत गुजारों से, नहीं बहुत कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? मैंने आपको पहले बताया बड़े अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला यहाँ पे और बेहतरी लेके आएगा, और अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम सब मिलके जितने खड़े हैं इंशाल्लाह सब मिलके फेस करेंगे उसको, हम सब मिलके उसको जो है उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है ना? डीएसपी साहब आपके जो गए हैं ट्रेनिंग पे वो भी बहुत शानदार आदमी है, जो अभी मौजूद हैं वो भी बहुत शानदार आदमी है, अपने जो मामलात हैं तो आप जब इनके पास पहुंचेंगे तो ईमानदारी से फैसले होंगे, ठीक है? अच्छा कचहरी के थोड़े से लाहौर रोड से सड़क नवी बन रही है, ट्रैफिक पिछले टाइम होती ज़्यादा वो फंस जाती, बड़ा बड़ा चेयर फंस जाती, कोई मेहरबानी करो क्योंकि ट्रैफिक वाले की ड्यूटी ला पे ट्रैफिक है, बड़ा मसला स्कूल टाइम पिछले टाइम जनाब बड़ी फंस जाती, ये बात लिख लो यार, लिख लो, बड़ी तकलीफ होती है, रोड ब्लॉक हो जाए, आप ना अपने पास से यहाँ से सफाई या एक जो है तो उसको भी इंक्लूड कर दीजिए, सही है ना? वो उस टाइम पर जाके वो करवा दीजिए, करवा के मुझे होता है मुझे बताइए सर, ये कड़ी खुली कचहरी के वाले दो दस से पंद्रह चलाने में दस चलो क्या करें आप रखते हैं बात करिए पूछ रहे जो पूछना है के की और अभी के जो आपने अभी बयान दिया है वो रिकॉर्ड मैंने पहले ही बयान दे दिया, मेरा रिकॉर्ड हो गया होगा आज वो कब, लेकिन मैं बस बताना चाहूँगा खुली कचहरी ये हुकूमत पंजाब का आईजी पंजाब का ये कॉन्सेप्ट है, और वो चाहते हैं कि आवाम की मुश्किलात शिकायात आवाम की दादरसी जो है वो उनके डोर स्टेप पर जाके की जाए, करीब तरीन थाने में जाके की जाए, ताकि आपको चल के आने की जहमत ना करना पड़े, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी पूरी टीम का ये फ़र्ज़ है कि आपकी बात सुने, आपकी बात सुन के उसके अंदर जो है वो जहाँ पे डिस्प्यूट हो, जहाँ पे कोई ऐसे मामला हों, जहाँ पे तस्फिया कराना हो वहाँ तस्फिया कराए, जहाँ पे कानूनी की एक्शन लेना हो वहाँ कानूनी एक्शन ले, और जहाँ के ऊपर चोरों डाकू बदमाश मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जंग करनी हो जंग करें। तो हमने काम शुरू किया हुआ है, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, हम 100% कामयाब नहीं हुए हैं, हम अभी शायद 50% भी कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक है, हमारी जो एम है वो ठीक है, हम चाहते हैं कि हम सारे मिलकर ठीक तरीके से काम करें और आप लोगों को डिलीवर करें और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि झूठी एप्लीकेशंस ना दी जाएं, झूठी कॉल्स ना चलाई जाएँ, झूठी एप्लीकेशन देने से झूठी कॉल चलाने से हमारे पास वर्कलोड बढ़ता है, उससे सही बंदे के साथ इंसाफ करने में मुश्किल पेश आती है,
और सही बात सुनने में मुश्किल पेश आती है। जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अगर ठीक कॉल्स और ठीक हमारे पास मामलात आएँ तो हम आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और आप तमाम जो पब्लिक है, मीडिया के हजरात हैं हमारे, और जो नंबरदरान हैं और हमारे जो अहम शख्सियात हैं, गांव के मौजूद हजरात हैं, हर वो शख्स जो यहाँ का रहने वाला है बागटा वाला का, तमाम तरफ मेरे मैसेज है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। मैं ऑफिस में मेरे ऑपरेटर के थ्रू आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोई बात आपको करनी हो, कोई ऐसी बात करनी है जिसको मैं आप अपनी शनाख्त छुपाते रहना चाहते हो, आप मेरे ऑपरेटर को डायरेक्ट फ़ोन करके बता दें। हम बर वक्त उस पर अमल करेंगे, बर वक्त रिएक्ट करेंगे और हमारा हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपको इंसाफ जो है वो पहुँचे। थैंक यू।